बात करूं मलाड परिषद की, तो हमारे डायनेमिक लीडर मनोज जी लोढ़ा, मंत्री सुदर्शन जी बाठिया एवं हमारे मलाड के ही गौतम जी भंडारी और प्रभारी जितेंद्र जी परमार, गौतम जी डांगी, पूरी टीम, अनिल जी, प्रमोद जी, सूर्या, हिम्मत जी, सबको मैं सबको जानता हूँ, पुखराज जी, मतलब मलाड ऐसा क्षेत्र है कांदीवली और मलाड कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। पहले हम छोड़ जाते थे पहले, पर अब नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके आबादी के साथी भी और मनोज जी भी इतने कार्य कर रहे हैं। हकीकत में मलाड परिषद एक्टिव हो चुकी है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान अभा तेयुग के सहमंत्री भूपेश कोठारी जब मलाड तेयुग के कैंप पर पहुंचे तो वहां के युवाओं का जोश देखने लायक था। सभी कार्यकर्ता अधिक से अधिक रक्तदान करवाने पर जुटे हुए थे, जिसे देखकर श्री कोठारी ने मलाड परिषद के कार्यकर्ताओं की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान श्री कोठारी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। देखें यह रिपोर्ट। कंटिन्यू बोलते रहिए। जय जय ज्योति चरण, जय जय महासमर। वन सेकंड। जय जय ज्योति चरण, जय जय महासमर। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, महादान। अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद पूरे देश भर में लगभग 2000 प्लस कैंप आयोजित कर रही है, और पूरे देश ही नहीं अभी तो पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में हम आयोजित कर रहे हैं, हांगकांग, अमेरिका, काफ़ी जगह आयोजित हो रहे हैं। दूसरी बात, मैनेज तो क्या, जब संगठन है होता है, संगठन में वो एकता और शक्ति होती है। जब हम जब युवा साथी सब मिल जाते हैं, लगभग 50,000 युवकों की एक हमारी फौज है, और जब फौज होती है और जब एक साथ जुड़ जाती है तन मन धन से, तो क्या कार्य संभव नहीं, हर कार्य संभव है। और मनोज जी आपको बधाई, शुभकामना, और आपने जो कार्य कर दिखाया, कल आप गवर्नर से भी मिल के आए, हमें सरकार का भी पूरा समर्थन मिला है, और 7 कैंप आपने शायद आयोजित किए यहाँ पर, और अच्छी तादाद में आपने आयोजित किया है। आप ऐसे ही काम करते जाइए, आपको बधाई, शुभकामना। आप जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप जहाँ जहाँ मेगा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हो रहा है, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं और तेरापन युवक परिषद के प्रेरणा के स्रोत हैं युवाओं में, आप क्या कहना चाहेंगे जहाँ जहाँ विजिट कर रहे हैं, युवाओं में जोश देखा जा रहा है इस कार्यक्रम को लेकर, बहुत बड़ा अवेयरनेस कहा जा सकता है देश में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक जन आयाम तक अभियान जो सेवा के रूप में है, एक जुड़ चुका है, पर ये रूप हम पहले भी कर चुके हैं, पर ये एक मेगा रूप ले चुका है, एक ब्रांड बन चुका है, ब्लड डोनेशन ड्राइव MBDD। हर बच्चा हम देख रहे हैं, 3 दिन से एक वीडियो भी आ रहा है, सब कोई हर एरिया से कोई बच्चे का वीडियो भेज रहा है, कोई बुजुर्ग का भेज रहा है। तो ऐसा आयाम है कि हम न सिर्फ अपने धर्म संघ तक, पर पूरे संप्रदाय या अन्य समाज भी हम पहुँच सके, काफ़ी राजनेता सबका सपोर्ट मिला है, तो ये जब भी पॉसिबल हुआ तब हम एक साथ सब जुड़ के ये काम करें। तेरापन परिषद का स्थापना दिवस और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, एक पन को काज एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम जिस धर्म संघ से है, एक एक काम से 4 काम होता है हमारे, तो ये तो हम तो अभी जन से ही वो कार्य करते हैं कि एक कार्य ऐसा करो कि 4 तक पहुँचे, तो ये हमारा सौभाग्य। हमें जन्म दिवस हम प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मना रहे, साथ में हमारी स्थापना दिवस भी है, ये हमारे लिए एक अविस्मरणीय पल है जिसको आज हम जी रहे हैं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, इस महाअभियान में करे रक्तदान, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और ऐसे और भी कार्य हम आगे लाने वाले हैं, जैसे आई डोनेशन, नेत्रदान, बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर। मलाड के अध्यक्ष जिसे सवाल है कि भाई यहाँ कैसा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का, और किस तरह से तैयारियाँ करी आपने और ये इतना बढ़िया कर पा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी टीम को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा, इतने दिन से वो जो दौड़ भाग कर रहे हैं, और सिर्फ युवक परिषद ही नहीं, चाहे किशोर मंडल हो, कन्या मंडल हो, जबकि इतना दौड़ भाग कर रहे हैं और इतना सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, आप मानेंगे नहीं, हम दुकान दुकान, घर घर, ऑफिस ऑफिस जाकर हमने प्रचार किया है। और जब हम पुलिस स्टेशन परमिशन लेने गए थे, तो जब SCP साहब ने क्या बोला कि मैं आऊँगा ही नहीं, सबसे पहला खून मुझे देना है, तब मुझे लगा कि शायद वो देंगे नहीं देंगे, लेकिन आज उन्होंने हमारे एक कैंप में सबसे पहले उन्होंने ब्लड डोनेट करके शुरुआत की, और इससे जो हमें मोटिवेट मिला, हम हर जगह हमारा टारगेट पूरा कर रहे हैं, और मैं मेरी टीम को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, और आबा तेयुग की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सार संभाल करने यहाँ आए और हमें मोटिवेशन किया। अब देखना कैसे ऊर्जा मिलेगी और अब कैसे हमारा ब्लड डोनेशन का यूनिट आगे बढ़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम को फिर से बहुत 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 धन्यवाद।